वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मे ट्यूटर चैनल। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें अपन ने प्रश्नावली जो 13.2 थी, प्रश्नावली कौन सी है भाई, 13.2, इस 13.2 का अपन ने बेसिक पढ़ लिया था और तीन क्वेश्चन भी अपन ने समझे थे। प्रश्नावली 13.2 में था क्या, अपना कोई भी दो सदिश होते हैं उनका अदिश गुणनफल करना अपन ने सीखा था, उनके गुणधर्म अपन ने देखे थे, कई सारे तरीके देखे थे अलग अलग टाइप के। यदि समांतर आ जाता है कोई भी दो सदिश लंबवत आ जाते हैं तो क्या होता है, यदि समान सदिश आ जाते हैं तो क्या होता है, तो कंडीशंस अपन ने पिछले वीडियो लेक्चर में देख ली थी। अपन शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 4 से। तो प्रश्न नंबर 4 इस प्रकार से अपने को दे रखा है, यहां क्या है, P के निर्देशांक अपने को दे दिए, Q का भी निर्देशांक दे दिया और अपने को कोण POQ पूछा। ये P और Q तो अपने को पता है, अभी इस O का नहीं पता अपने को। तो ये जो O है ये मूल बिंदु है, क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा इसको पढ़ लीजिएगा कि यदि P का निर्देशांक ये है, Q के निर्देशांक ये है, तो कोण POQ ज्ञात करो जहां O मूल बिंदु है। ये मूल बिंदु है भाई, तो मैं बनाता हूं एक बार। जैसे मान लो ये अपना O हो गया, ये अपना P हो गया और ये अपना क्या हो गया, Q हो गया। ये मान लेता हूं मैं O है। अब आप ये देखिए कि ये कौन कौन सा है भाई, POQ कौन कौन सा है भाई, POQ, तो POQ ये वाला कोण अपने को निकालना है, ये वाला कोण निकालना है, ठीक है। तो आप देखिए इसी बिंदु से मैं दो सदिश जाने वाले में लेता हूं, इसी बिंदु से कितने सदिश जा रहे हैं भाई, दो सदिश। तो आप खुद बताइए कि जो बिंदु P है इसका निर्देशांक कितना है भाई, 3.4। Q का निर्देशांक कितना है, 12.9। इसको मैं मान लेता हूं, चलो ये मान लेता हूं, मैं इसको नाम दे लेता हूं A वेक्टर, इसको अपने मन से मान लेता हूं B वेक्टर। तो अब आप खुद बताइए कि A वेक्टर का मान कितना आएगा, जो A वेक्टर है ये कितना आएगा। आपको ध्यान है पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हो, पोजीशन वेक्टर हमेशा कहां से निकलता है भाई, मूल बिंदु से निकलता, प्रश्नावली 13.1 में अपन ने देखा था। तो देखो कैसे निकालते हो, ये आप ऐसा देख लीजिए, ये अपना मूल बिंदु है तो इसके निर्देशांक 0.0, तो मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा था, x2 - x1, तो 3 - 0 कितना आ जाएगा भाई, 3 i कैप, 4 - 0 क्या आ जाएगा भाई, 4 j कैप। k कैप वाला है नहीं, कोई बात नहीं, नहीं है तो क्या करें। और जो b वेक्टर है, अब b वेक्टर तुम निकालोगे तो आप ध्यान है b वेक्टर क्या है, ये वाला है, अंतिम में से पहले वाला घटाओगे तो ये क्या आ जाएगा भाई, 12 i कैप + 9 j कैप। अब इसका मतलब मेरे को यह समझ में आ गया कि दो सदिशों के बीच का मेरे को ये कोण निकालना है। अब ये कोण कैसे निकालोगे, तो इस कोण का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा किस प्रकार से अपन निकालते हैं। बाकी मैं आपको समझा देता हूं कि इसमें अपन करते क्या है। यदि आपके पास दो सदिश आपको दिखाई दे, आपको ध्यान है कोई भी दो सदिश है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनके बीच का कोण थीटा है, तो आपने पढ़ ही रखा होगा कि जो ए डॉट बी है वो किसके बराबर होता है भाई, अरे ए डॉट बी कोई भी दो सदिशों का अदिश गुणनफल का फॉर्मूला मैंने कल ही तो आपको बताया था, ए बी कोस थीटा। यहां से आप देखो कोस थीटा बराबर क्या आएगा भाई, ए डॉट बी बटा ए बी, यही तो आएगा। अरे क्या आ गया भाई, ए डॉट बी बटा ए बी। अब मेरे को तो थीटा निकालना, तो थीटा निकालना तो कोस इधर आके क्या हो जाएगा भाई, कोस इनवर्स, तो कोस इनवर्स ए डॉट बी बटा ए बी, इस तरीके से अपना कोण निकल जाएगा। ये कोण का फॉर्मूला होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी याद नहीं रखोगे इस वाले फॉर्मूले से भी काम चल जाएगा। तो अपने को ऐसा हल करके अपने को देखना पड़ेगा, ऐसे आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कोई भी दो सदिशों के मध्य का कोण, तो कोई भी दो सदिशों के मध्य का कोण का ये फॉर्मूला होता है। अब आपको ध्यान है कि यहां आपको किस किस की जरूरत पड़ने वाली है भाई, एक तो आपको जरूरत पड़ेगी इन दोनों के डॉट की, तो डॉट आपको निकालना आता ही है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इसका और इसका डॉट जब करोगे, तो पिछले वीडियो लेक्चर में करवा दिया था, मैं डायरेक्ट करूंगा, जब इसका और इसका डॉट करोगे तो आपको ध्यान है आई वाले को आई वाले से तो कितना हो गया भाई, 12 + 36, जे वाले को जे वाले से, अरे जे केप वाले को जे केप वाले से गुणा कर लीजिए, तो 9 × 36 तो कितना हो गया भाई, 72 हो गया। ए डॉट बी कितना आ गया, 72 आ गया। चलो ठीक है, ए डॉट बी की अपने को जरूरत पड़ेगी तो मैंने पहले ही निकाल लिया, और मेरे को ध्यान आया
कि इनके परिमाण की जरूरत पड़ेगी। अरे अपने को सिंगल ए और सिंगल बी की भी तो जरूरत पड़ेगी। सिंगल ए का मतलब क्या होता है? सिंगल ए का मतलब इसका परिमाण होता है, ए वेक्टर का परिमाण। चाहे इस प्रकार से लिख दो चाहे इसको सिंगल ए लिख दोगे तो भी चलेगा, एक ही बात है, किसी भी प्रकार से लिखिए। मैंने चलो लिख दिया तो कोई बात नहीं है ना। तो देखो परिमाण आप इसका निकालोगे तो आपको ध्यान है अंडर रूट 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर हल कर लीजिएगा, 9 और 16 25 का अंडर रूट कितना आ जाएगा भाई, 5 इकाई आ जाएगा। और बी वेक्टर का परिमाण जब देखोगे तो बी वेक्टर का परिमाण तुम करोगे तो क्या आएगा भाई, 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81 हो गया। तो जोड़िए आप इनको, तो जोड़ोगे तो ये कितना हो गया भाई, 225 हो गया क्या, 8 और 4 12, ठीक है बिल्कुल। और 225 का अंडर रूट आपको ध्यान होगा कितना होता है, 15। तो अपने को 3 मान मिल गए, ए डॉट बी मिल गया, ए का परिमाण मिल गया, बी का भी परिमाण अपने को मिल गया। अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, याद नहीं रखोगे तो इस तरीके से आप सोल्व कर लीजिएगा तो आंसर मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, फॉर्मूला याद रखता हूं कि थीटा बराबर क्या होगा भाई, कोस इनवर्स ए डॉट बी बटा ए बी। तो मान रख दीजिए आंसर मिल जाएगा। देखो कोस इनवर्स ए डॉट बी आपको ध्यान है कितना आ गया भाई, 72। ए का मान कितना आ गया, 5 गुणा बी का मान कितना आ गया, 15 आ गया। तो काट लीजिए, जितना कटे उतना काटिए। तो देखो ये मेरे को कटता हुआ दिखाई दे रहा है, किससे, 3 से कट रहा है। देखो 3 × 5 = 15 और 3 से कट जाएगा कितनी बार भाई, 24 बार। तो ये कितना आ गया भाई, ये अपना आंसर आ गया कोस इनवर्स 24/25। अब आपको ध्यान थोड़ी है कि कोस का मान 24/25 कितने डिग्री पर होता है, नहीं पता। अरे याद है किसी को, नहीं होगा कि कोस का मान 24/25 कितने डिग्री पर होता है, नहीं पता। तो ऐसा का ऐसा ही इसका क्या हो गया आंसर। हाँ यदि ये इस प्रकार से आ जाता कि कोस इनवर्स 1/√2 तो इसका तो कोई बता देगा आंसर कि सर कोस का मान 1/√2 तो 45 डिग्री पर होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाता, 45 डिग्री। ये लो आंसर हो जाता 45 डिग्री। वो रेडियन में बोल दे तो क्या बोल देते इसको भाई, π/4। लेकिन इसका थोड़ी पता है कि कोस का मान 24/25 कितने डिग्री पर, नहीं पता। तो ये ऐसा का ऐसा ही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जब भी आपको कोई भी दो सदिशों के मध्य का कोण निकालना है तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है प्रश्नावली 14 के लिए भी, प्रश्नावली 14 में भी अपने ये काम आता है, इसलिए इसको याद करके आप रखिएगा कि कोई भी दो सदिशों के, कोई भी दो सदिश है, कोई भी दो सदिशों के बीच के कोण का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कोस इनवर्स ब्रैकेट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। यहां ए और बी क्या है, जो ए है वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और जो बी है वो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो अपने को वो पहले ही निकाल लेना है, ए डॉट बी भी मैंने निकाल लिया और इसका परिमाण भी मैंने निकाल लिया और बी का परिमाण भी मैंने निकाल लिया। केवल रखना ही तो पड़ा, फॉर्मूला लगाया और रख दिया, मेरा क्या जाता है, तो रख दिया तो रख दिया, आंसर अपने को मिल गया। काटा पीटी की, जितना कटा छोड़ दिया। फिर मैंने चेक किया कि कोस का मान 24/25 मेरे को पता है क्या, नहीं पता था, तो ऐसा का ऐसा छोड़ दिया। पता होता तो कोण में लिख देता, जैसे मान लो आ जाता कोस इनवर्स 1 तो कोस का मान 1 कहां पर होता, सभी को ध्यान है 0 डिग्री पर, तो बीच का कोण 0 हो जाता। इस प्रकार से अपन सोल्व कर लेते हैं। तो ये कोण आ गया, तो इन दोनों के बीच का कोण इतना है, तो इसको अब आप सोल्व कर सकते हो। जब भी बीच के कोण का फॉर्मूला आएगा तो आप यही फॉर्मूला लगाओगे। अब अपन बात करें आगे की, यहां क्या बोला है, लेमड़ा के किस मान के लिए ए व बी परस्पर लंबवत है। तो अपने को ए वेक्टर दे दिया और बी वेक्टर दे दिया। अरे बोला क्या, लेमड़ा का मान अपने को पूछा है और ये बोल दिया कि ये और ये लंबवत है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर लंबवत है। तो मैंने बोला था, याद रखिएगा वो कंडीशन है, अरे जब इसने बोल दिया, जब इसने क्या बोला कि जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका ध्यान रखिएगा। अब आपको ध्यान है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंबवत है, अरे दोनों परस्पर लंबवत है,
तो लंबवत है, तो मैंने आपको बोला था कंडीशन याद रखने के लिए कि जब परस्पर लंबवत हो तो दोनों का डॉट कितना होगा भाई, जीरो होगा। अरे दोनों का डॉट जीरो होगा, जब कोई भी दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो दोनों का डॉट जीरो हुआ करता है, याद रखिएगा। कल भी मैंने बोला था कि इसको अच्छे से याद कीजिएगा, देखो काम आ गया। कोई भी दो सदिश परस्पर लंबवत होंगे तो दोनों का डॉट जीरो, तो दोनों का डॉट करके मैं देखता हूं, तो इसका और इसका मैं डॉट करूंगा, डॉट प्रोडक्ट करता हूं, अदिश गुणनफल करता हूं, तो आपको करना आता ही है। आई के एफ वाले को आई के एफ वाले से, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आठ, इसको इससे गुणा करोगे, जे के एफ वाले को जे के एफ वाले से, है ना, तो कितना हो जाएगा भाई, माइनस के दो लेमड़ा, और यहां के गुणा में एक है, अरे के एफ के गुणा में एक है, तो गुणा कर लीजिए तो आ गया माइनस दो बराबर है जीरो, तो ये मिल गया अपने को माइनस दो, ये कितना हो गया भाई छः, अरे आठ माइनस दो हो गया छः, छः को इधर लिया तो मैं माइनस छः, तो लेमड़ा बराबर कितना मिल जाएगा आपको तीन, ये इसका क्या हो गया आंसर। इसी प्रकार से इसका कौन सा करना है, ये मैंने पांचवे का फर्स्ट करवा दिया है, सेकंड आपको खुद से कर लेना है, वहाँ भी लेमड़ा का मान ही पूछा है और वही चीज़ अपने को दी है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंबवत है, तो जब भी परस्पर लंबवत की बात आ जाए तो दोनों का डॉट हमेशा जीरो हुआ करता है, क्योंकि परस्पर लंबवत इसलिए दोनों का डॉट जीरो, काम हो गया। डॉट अब आपको करना आता ही है, आई के एफ वाले को आई के एफ वाले से, जो जे के एफ वाले का गुणांक है उसको जे के एफ वाले से, के एफ वाले को के एफ वाले से, आंसर मिल जाएगा, लेमड़ा का मान आ गया, सोल्व तो कर ही सकते हो, ठीक है। अब अपन बात करें, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लगभग लगभग हर बार क्या होता है इस टाइप का अपने को क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन भाई, देखो सदिश, एक सदिश दे देगा किसी अन्य सदिश पर प्रक्षेप अपने को पूछेगा, अब ये प्रक्षेप क्या चीज आ गई, प्रोजेक्शन है, अब ये प्रोजेक्शन क्या चीज आ गई, तो वो आप समझिए कि प्रोजेक्शन होता क्या, प्रक्षेप होता क्या है। कोई भी दो सदिश होते हैं, एक तो मान लीजिए, एक तो है अपने पास ए वेक्टर, क्या है भाई, ये मान लिया मैंने ए वेक्टर, और एक है अपने पास ये लीजिए, क्या है ये बी वेक्टर, क्या है भाई बी वेक्टर, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये बोले कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, क्या बोला मैंने, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, तो कैसे करोगे, मैंने क्या बोला एक बार लिख करके मैं बता देता हूं, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर क्या ज्ञात करो भाई, प्रक्षेप, तो ज्ञात करने का फॉर्मूला आप याद रखिएगा क्या होता है, तो मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं, जब भी ए का बी पर प्रक्षेप पूछेगा तो आपको यह करना है ए डॉट बी, ऊपर तो हमेशा दोनों का डॉट ही आएगा, प्रक्षेप किस पर है, देखो प्रक्षेप किस पर है, बी वेक्टर पर, तो नीचे आ जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्या आ जाएगा भाई, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, याद रखिएगा जब भी ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप पूछेगा तो फॉर्मूला क्या लगेगा भाई, ऊपर तो दोनों का डॉट, नीचे कौन आएगा, जिसका जिस पर भी प्रक्षेप हो, प्रक्षेप किस पर है, बी वेक्टर पर है, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहां आ जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा। अब कईयों के दिमाग में ऐसे और आ रहा होगा कि ये सर आया कैसे, रटे थोड़ी, अरे मैथमेटिक्स में भी रटोगे तो काम कैसे चलेगा, हर एक चीज का अपने को जो फॉर्मूला है वो जनरेट करना आना चाहिए, कि हर एक चीज का, अरे जनरेट तो हुआ ही है, कहीं से तो आया होगा, किसी ने तो निकाला होगा, निकाला तो कैसे निकाला, तो वो मैं आपको बता देता हूं, प्रक्षेप क्या होता वो भी मैं आपको समझाऊंगा, अभी आप याद रखिएगा ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं हो, मैं यहां याद करवाने के लिए आपको इतना काम करवा रहा हूं, बाकी मैं इसको सिद्ध भी करवाऊंगा। अब ये बोले बी वेक्टर का किस पर, ए वेक्टर पर प्रक्षेप पूछे, तो आपको क्या करना, ऊपर तो दोनों का डॉट आएगा ही आएगा, फिक्स है, ऊपर तो दोनों का डॉट, चाहे बी डॉट ए बोलो चाहे ए डॉट बी बोलो, ऊपर तो दोनों का डॉट करना ही करना है। अब नीचे कौन आएगा, नीचे कौन आएगा, अब यहां देखो किस पर है, पर किस पर है भाई, ए वेक्टर पर है, जिस पर भी होगा वो ही नीचे आएगा, अरे किस पर है, ए वेक्टर पर, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, परिमाण कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहां किस पर था, देखो ऊपर तो दोनों का डॉट करना ही करना है, नीचे
यहां बी वेक्टर पर था इसलिए बी वेक्टर, यहां ए वेक्टर पर है इसलिए ए वेक्टर नीचे आएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब आप समझिए, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखो प्रक्षेप होता क्या है, प्रोजेक्शन क्या होता है, आप ये समझिए, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। अब मैं क्या करता हूं, अरे इसकी भी लंबाई कुछ ना कुछ होगी, इसकी भी लंबाई कुछ ना कुछ होगी। अब मैं क्या करता हूं, मैंने क्या किया, ऊपर से एक टॉर्च की, ऊपर से टॉर्च डालूंगा। ये मान लो कि ये क्या है भाई, ये अपना ए वेक्टर है, ये अपना बी वेक्टर है। चलो छोटी रह गई, कोई बात नहीं, अपन क्या ले लेते हैं, थोड़ी बड़ी ले लेते हैं। अच्छा ये भी ज़्यादा ही छोटी रह गई, चलो मैं दो लेता हूँ, एक बड़ी और एक छोटी, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये लीजिए है ना। अब मैं क्या करता हूँ, ये मान लो अपना ए वेक्टर है, ये अपना बी वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये ए और ये बी, ठीक। मैं क्या करता हूँ, ऊपर से टॉर्च कर रहा हूँ, यदि ऊपर से टॉर्च डालूंगा बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पर, बिल्कुल सीधी, तो देखो क्या होगा, यदि टॉर्च करोगे तो, टॉर्च करोगे तो देखो इसके नीचे तो क्या रहेगा भाई, अंधेरा रहेगा, इस लाइन के नीचे तो क्या रहेगा, अंधेरा, और इधर क्या हो जाएगा, उजाला। अरे टॉर्च करोगे तो इसके नीचे तो क्या रहेगा, इधर अंधेरा, इधर क्या हो जाएगा, उजाला। जैसे मान लो यही मैं टॉर्च करूं, यहां मैं क्या करके बताता हूं आपको, टॉर्च करके बताता हूं। देखो टॉर्च कैसे है, ये लो देखो टॉर्च करते हैं ना, ये लो तो टॉर्च किया तो देखो उजाला चारों तरफ जाएगा, अरे उजाला चारों तरफ जा रहा है लेकिन इसको पार नहीं कर पाएगा, आगे तो जाएगा ही जाएगा, देखो अरे आगे तो उजाला जाएगा लेकिन देखो छाया कहाँ कहाँ रही, किसकी बात है, छाया किस पर देखनी है अपने को, बी पर, तो बी वेक्टर पर छाया आपको कहाँ दिखाई दे रही है, तो मेरे को छाया यहां से यहां तक दिखाई दे रही है ये छाया। अरे जब टॉर्च डालोगे तो इसके नीचे तो अंधेरा ही रहेगा ना यहाँ बी वेक्टर के, अरे इस लाइन पर यहाँ क्या रहेगा भाई, अंधेरा रहेगा, आगे तो उजाला हो जाएगा, देखो आगे तो क्या आ जाएगा, उजाला आ जाएगा लेकिन यहाँ अंधेरा रहेगा। तो इसी लेंथ को अपन क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं, प्रक्षेप बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपनी क्या कहलाती है, प्रक्षेप कहलाती है। अब ये जो दूरी है वो चाहे मीटर में हो चाहे सेंटीमीटर में हो, किसी ना किसी में तो होगी, इसलिए जो भी आए ये, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये यहां से यहां तक की दूरी है तो दूरी हमेशा प्लस में आएगी, इसलिए मैं यहां क्या लगा देता हूं, जो भी आएगा, कई बार हो सकता है आपको आंसर माइनस में मिले लेकिन आपको क्या लेना है, मोड लेना है, मतलब माइनस में आए तो भी आपको प्लस ही लेना है क्योंकि ये यहां से यहां तक की दूरी है। अरे प्रक्षेप का मतलब यहां से यहां तक की दूरी, यदि ए से आप टॉर्च डालोगे, ए के ऊपर से टॉर्च डालोगे किस पर, बी पर, तो बी पर अंधेरा कितनी दूरी तक रहेगा वो अपना प्रक्षेप कहलाता है। तो ये दूरी अपनी प्रक्षेप कहलाएगी, दूरी हमेशा प्लस की होती है, इसलिए मैंने मोड लगा दिया। मोड का मतलब आपको ध्यान में है ही कि यदि पॉजिटिव होगा आंसर तो भी आंसर पॉजिटिव, अरे प्लस का होगा तो भी प्लस का, माइनस होगा तो भी उसको किसका ले लेंगे अपन, प्लस का, है ना। और इसके इकाई जरूर आप लगाइएगा, यूनिट है ना, इसके क्या लगाइएगा भाई आप, इकाई, क्यों, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर कुछ ना कुछ तो होगा, अरे यहाँ से आता कि दूरी, दूरी किसी ना किसी में तो हुआ करती है, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर है ना, तो मैंने यहाँ क्या लगा दी भाई, इकाई लगा दी। आंसर में हमेशा इकाई लगा करके रखूंगा। अब ये फॉर्मूला कैसे आया वो भी आप देखिए, तो आपको ध्यान है कि बीच का कोण मैं मान लेता हूं भाई थीटा, ठीक है, यदि मैंने थीटा मान लिया और यहां से यहां तक की दूरी, आपको ध्यान है क्या बोलते हैं भाई, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्या बोला करते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये अपना पूरा बी वेक्टर था, ये अपना पूरा क्या था, बी वेक्टर। तो एक बार मैं इसको छोड़ता हूं, इसको मैं एक बार छोड़ता हूं। अब आप बताइए कि यहां ये क्या बन गया भाई, समकोण त्रिभुज बन गया, क्या बन गया भाई, समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज बन गया। तो आपको ध्यान ये थीटा है, मेरे को ये निकालना है यहां से यहां तक की दूरी, तो यहां से यहां तक की दूरी, दूरी को मैं क्या बोल देता हूं एक बार के लिए डी, मेरे को इस डी का मान निकालना है, किसका मान निकालना है भाई, डी का, तो मैं निकालता हूं। कैसे निकालूंगा, तो आपको ध्यान में है कि यहां से ये करण, करण तो कितना हो गया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब यहां से यहां तक की दूरी, ए वेक्टर का परिमाण, परिमाण का मतलब दूरी तो होता है, हाँ ए वेक्टर होता है इसका मतलब, तो इस दिशा में अपने को जाना है, और ए वेक्टर का परिमाण मतलब यहां से यहां तक की दूरी है, ठीक है। तो ये जो दूरी है मैं निकालता हूं, ठीक है, ये दूरी तो आपको ध्यान है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, कोण थीटा है, तो आपको ध्यान है थीटा के सामने वाला लंब, 90 डिग्री के सामने वाला करण, बच गया वो आधार, तो यहां आधार और करण है, तो आधार और करण किस में आते हैं, तो मेरे को ध्यान आया कि ये कोस थीटा में आते हैं, किस में आते हैं भाई, आधार और करण, कोस थीटा में। तो कोस थीटा होता क्या है, आधार बटा करण, बटा करण ये रहा,
तो यहां से देखो ये जो दूरी आएगी डी, तो डी का मान आएगा क्या, तो डी का मान क्या आ जाएगा भाई, ए वेक्टर का परिमाण और कोस थीटा, यही तो हो गया, या बटा में एक मान लो वज्र गुणा कर लीजिए, तो डी बराबर क्या हो गया, ए वेक्टर का परिमाण गुणा में कोस थीटा। अब मैं देखता हूं और आपको ध्यान है ये डी का मान आ गया, अब मैं क्या करता हूं, आपको ये ध्यान था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है भाई, ए बी कोस थीटा ही तो होता है, क्या होता है भाई, ए बी कोस थीटा, इसका अरे ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कोस थीटा। अभी ए को क्या बोला करते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो है, इसको मैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो बोल सकता हूं, अरे कैसा भी बोलिए कोई गलत थोड़ी है। हाँ अब मेरे पास ये ध्यान है कि इसकी जगह देखो इसकी और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये तो ए डॉट बी बराबर, ये बी वेक्टर तो है ही है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो है ही, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, डी लिख सकता हूँ, तो डी का मान यहाँ से निकल करके आ जाएगा ए डॉट बी बटा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही तो अपना प्रक्षेप था। देखो ए वेक्टर का किस पर, बी वेक्टर पर, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, उसको मैंने क्या बोला था, डी, तो मान क्या आ गया, यही तो आ गया ए डॉट बी बटा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन आपको क्या करना है, इसके जनरेट जो मैंने किया है उस पर आपको नहीं जाना है, आपको तो क्या करना, फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला मैंने आपको याद करवा दिया है, तो याद किस तरीके से करवाया है, तो आप एक बार दोबारा इसको देख लीजिए, यदि वो क्या बोले, दो वेक्टर आपको दिए हुए मिलेंगे, एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर अपने को दिया हुआ मिला है, देखिए ये और ये आपको दो वेक्टर दिए हुए मिले हैं, हमेशा दिए हुए मिलेंगे और एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, हर बार लगभग पूछा जाता है, कोई बाई चांस छोड़ता है, बाकी लगभग लगभग हर बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, संख्याएं बदल सकती है लेकिन प्रक्षेप जरूर पूछता है। तो देखिए मैंने क्या बोला, यदि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप पूछे तो ऊपर तो दोनों का डॉट आएगा ही आएगा, चाहे किसी का किसी पर ही हो, नीचे कौन आएगा आप तो वो देखो, यहां बी वेक्टर पर है इसलिए नीचे कौन आएगा, बी वेक्टर, यहां किस पर है, ए वेक्टर पर, तो यहां नीचे क्या आएगा, ए वेक्टर। अब इसी प्रकार से इसको भी मैं क्या कर सकता था, सॉल्व कर सकता था, कोई बात नहीं। अब मैं क्या करता हूं, मैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन को करता हूं, सदिश, ये सदिश है, ये सदिश है, तो इस सदिश को मैं क्या बोल देता हूं अपने मन से, ए वेक्टर, माना ये ए वेक्टर है, ठीक है, और इसको मैं क्या बोल देता हूं, इसको मैं बी वेक्टर बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं भाई, बी वेक्टर, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, दोबारा लिख लीजिएगा, मैं चलो यहां लिख देता हूं, ये ए वेक्टर है, कितना भाई, चार आई केप माइनस टू जे केप प्लस के केप, और बी वेक्टर, बी वेक्टर कितना हो गया भाई, तीन आई केप प्लस छ जे केप माइनस टू के केप। यहां क्या बोला है, अब देखो सदिश ए वेक्टर, यहां कौन हो गया, अब ए वेक्टर का, इसको मैंने ए वेक्टर बोल दिया ना, तो अच्छे से पढ़िएगा, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर, अरे ये क्या है, ए वेक्टर का, इसकी जगह क्या बोल दिया मैंने, बी वेक्टर, तो ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात करो, मतलब ये वाला फॉर्मूला, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात करो, ठीक है, तो करूंगा, तो फॉर्मूला आप दोबारा लिख लीजिएगा, ये तो मैंने आपको फॉर्मूला जनरेट करके बताया था, अब आप डायरेक्ट याद रखिएगा, इसको आप छापिएगा, मैं सीधा कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने लिख दिया है, दोबारा लिखूंगा तो टाइम खराब होगा ना, तो क्या करोगे, ऊपर तो दोनों का डॉट, इसका इसका डॉट करोगे तो चार थी बारह, आप आराम से सोल्व कीजिएगा, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, आपको क्या कर लेना है, पहले ए डॉट बी निकाल लेना है और बी वेक्टर का परिमाण निकाल लेना है, मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, ए डॉट बी करोगे तो चार थी बारह और माइनस बारह और माइनस दो हो गया और बटा में बी वेक्टर का परिमाण, तो इसका परिमाण करोगे तो तीन का स्क्वायर नौ, छः का स्क्वायर छत्तीस, माइनस दो का स्क्वायर करोगे तो भी चार आएगा ना मोड, तो कितना आ गया भाई, ये कट गया तो ये आ रहा है माइनस दो बटा कितना हो गया भाई, छत्तीस और चार चालीस उनचास, तो कितना हो गया भाई उनचास है ना, तो ये हो गया दो बटा सात, अरे दो तो है और अनरूट उनचास कितना हो गया, ये माइनस दो था बटा उनचास का अनरूट सात होता है, लेकिन मोड में है इसलिए मैंने क्या बोला था, माइनस में आए तो भी किसका लेना है, प्लस का, तो आंसर कितना हो गया, दो बटा सात, इकाई लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि जरूरी है, वरना थोड़ा सा नंबर कटने के चांसेज होते हैं।
क्योंकि कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे, क्योंकि ये प्रक्षेप का मतलब ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो थी, तो दूरी किसी ना किसी में तो होगी, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, यहाँ इकाई लगा दिया। अब देखिए अपन कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7 और उसके बाद प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर जो 8 है मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छे से कीजिएगा। पहले अपन कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 भी अच्छा क्वेश्चन है, इसने बोला ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, तो ये बोल रहा सी वेक्टर ज्ञात करो यदि जो एबीसी है वो राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। एबीसी किसको व्यक्त करते हैं भाई, समकोण त्रिभुज की भुजाओं को व्यक्त करे, तो अपने को सी वेक्टर का मान ज्ञात करना है। अब देखो त्रिभुज तो किसी भी प्रकार से हो सकता है, लेकिन मैं ज़्यादा समय आपका खराब नहीं करूँगा, मैं सीधा सीधा आपको बताता हूँ, बाकी समझाने में थोड़ा सा समय लगता है। आप डायरेक्ट ध्यान रखिएगा किस टाइप से मैं आपको बता देता हूँ कि ये मान लो कि ये तो अपना ए वेक्टर है और ये अपना क्या है भाई बी वेक्टर है, ये तो अपना हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। अब मैंने इस प्रकार से क्यों बनाया है तो वो भी आप देखिए कि उनके बीच का कोण 90 डिग्री है। अब आप बोलोगे पता कैसे चला कि बीच का कोण 90 डिग्री है, तो आप निकाल करके देख लीजिए कोण का मान 90 डिग्री आएगा, या फिर मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आप क्या करके देख लीजिए, यदि दोनों परस्पर लंबवत हैं, यदि ए और बी वेक्टर परस्पर लंबवत है, यदि इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है तो दोनों का जो डॉट होगा वो जीरो होगा, करके देख लेता हूँ। देखो यदि ए डॉट बी करोगे तो कितना हो गया भाई 6 माइनस 16, अरे एक ना 16 एकम 16, ठीक है 5 दूनी 10, तो कितना आ गया भाई ए डॉट बी बराबर कितना हो गया 10 और 6 16 माइनस 16, ये तो हो गया जीरो, बिल्कुल हो गया। तो यदि दोनों का डॉट जीरो है इसका मतलब अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि ये दोनों परस्पर लंबवत है, किन्हीं का भी डॉट जीरो इसका मतलब ये परस्पर लंबवत है, यदि कोई भी परस्पर लंबवत है तो उनका डॉट जीरो, याद कीजिए जो मैंने कहा था, यहाँ भी काम आएगा, यहाँ भी काम आ रहा है, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में भी काम आया था और आगे भी काम आएगा, यही मैंने बोला था अच्छे से मोस्ट जो टाइप था उसका, और डिपेंड इसी पर है, लगभग लगभग जो अदिश गुणनफल करेंगे तो इसी पर डिपेंड है कि जब दो सदिश परस्पर लंबवत हो गए तो दोनों का डॉट जीरो, डॉट जीरो तो परस्पर लंबवत। मेरे को पता चल गया कि दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। अब अपना इसका मतलब पता चल गया कि जो सी वेक्टर है वो किस किधर है भाई, कर्ण की दिशा में है ना, तो कर्ण इस प्रकार से भी हो सकता है, इस प्रकार से भी हो सकता है। आंसर दो यदि इस दिशा में लोगे तो अलग आंसर, इस दिशा में लोगे तो अलग आंसर, लेकिन गलत कोई सा भी नहीं है, दोनों बिल्कुल सही होंगे। अब आपको जो पीछे मिलता है उससे आप मैच कर लीजिएगा। मैं आपको करके बताता हूँ, क्या करके बताता हूँ तो देखिए इस प्रकार से करता हूँ, इसको मैं क्या मान लेता हूँ भाई सी वेक्टर, और मैंने आपको पहले बोल दिया इस दिशा में नहीं लेकर के आप इस दिशा में भी ले सकते हो। कहीं कोई सोचे कि सर आपने इसी दिशा में क्यों लिया, मतलब भाई इस दिशा में ले लो तो भी कोई गलत नहीं है, तो भी कोई गलत नहीं है, आंसर अलग आएगा लेकिन गलत आंसर वो भी नहीं होगा, वो भी सही आंसर जो मैं कर रहा हूँ ये भी सही आंसर, दोनों सही आंसर है। आप लॉजिक भूल जाइएगा, लॉजिक में मैं आपको बता दूंगा, सिद्ध करके भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखो अब यहाँ आपको ध्यान है कि कौन सा नियम लग जाएगा भाई, त्रिभुज नियम। ये मान लेता हूँ मैं ये ए ये बी ये सी मैंने मिलाया नहीं है, ये मैच बिल्कुल मैंने, आप बोलोगे टच तो नहीं हो रहा, तो आप टच कर लीजिएगा, मैं चित्र खराब दिखाई नहीं दे इसलिए मैं ले रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा दूर मैंने बनाया है, बाकी बिल्कुल टच हो करके बनेगा, है ना, तो आप बना लीजिएगा। तो आपको ध्यान है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में सदिश योगफल के त्रिभुज नियम से आप करोगे। अरे ट्राइंगल रूल किसमें, जब अपन क्या करते हैं सम ऑफ वेक्टर्स, सम ऑफ वेक्टर्स अपन करते हैं किस फॉर्म में, ट्रायंगल फॉर्म में, है ना, सदिशों का योगफल त्रिभुज नियम में मैंने आपको बताया था। देखो दिशा सेम कौन सी है भाई, ये ए वेक्टर और सी वेक्टर की, देखो ए वेक्टर प्लस
सी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा भाई, देखो ए वेक्टर और सी वेक्टर ये इधर जा रहे हैं लेकिन ये उल्टी दिशा में आ रहा है, तो इसके बराबर होगा। तो मेरे को तो सी वेक्टर निकालना है, तो क्या हो जाएगा भाई, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बी वेक्टर में से ए वेक्टर घटा लीजिए, तो मैं घटा लेता हूँ। बी वेक्टर कितना है भाई, तो बी वेक्टर मेरे को दिखाई दे रहा है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। माइनस ए वेक्टर कितना है भाई, 2i कैप माइनस 16j कैप प्लस 5k कैप। जब घटाओगे तो आपको मिल जाएगा, देखो घटाओगे तो ये आ जाएगा i कैप, इसमें से ये घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना भाई 17j कैप। अरे जे कैप तो ये और 16j कैप, ये कितना हो गया भाई 17j कैप, और ये हो जाएगा माइनस का 3k कैप। तो ये अपना सी वेक्टर हो गया। यदि आप चेक करना चाहते हो तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकाल लीजिए, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर अनरूट है ना, जो भी आए। फिर आप बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकाल लीजिएगा, और आप देखोगे कि इसके और इसके वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। हाँ, अब आप बोलो, दिमाग में आया होगा कि सर ऐसे लेते तो ऐसे लेते तो यहाँ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आ जाता, सोल्व करोगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आ जाता आंसर। आपको मैग्नीट्यूड जब देखोगे, परिमाण देखोगे तो वही मिलने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपके लगे, जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कर लीजिएगा। यदि ये उचित लगता है तो आप ये कर सकते हो, आप इस दिशा में लेना चाहते हो तो इस दिशा में ले लोगे, थोड़ा सा फर्क आएगा, चिन्हों का फर्क आएगा, लेकिन गलत वो भी नहीं है। फिर बोल रहा हूँ मैं, है ना, अंतिम देख लेते हैं आज के वीडियो लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन कौन सा भाई, 8वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा। इसने क्या बोला है भाई कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, वो दोनों इक्वल है। और ये बोल रहा है कि सिद्ध करो कि ये सदिश परस्पर क्या है, लंबवत है। ए सदिश और बी सदिश परस्पर क्या है, लंबवत है। तो सिद्ध करने के लिए आपको ही ध्यान है कि परस्पर लंबवत होते कब है, जब दोनों का डॉट जीरो हो जाए। लेकिन दो सदिशों का डॉट तो मेरे को कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे कहीं डॉट प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार दोबारा इसको लिखता हूँ मैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इधर क्या है भाई, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब आपको ध्यान है कि कल ही मैंने बताया था आपको कि कहीं पर भी आपको डॉट नहीं दिखाई दे रहा तो आप उसका स्क्वायर कर लीजिए। तो इसके स्क्वायर का मतलब ये और खुद का क्या कर लीजिएगा, डॉट कर लीजिएगा, तो वही तो होता है। अरे कल ही तो आपको बताया था, जो बेसिक जो वीडियो लेक्चर था उसमें आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट में, है ना। तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट करोगे, जब अधिश गुणा करोगे तो यहाँ अधिश गुणा कहीं हो ही नहीं पा रहा, यहाँ तो परिमाण है, मैग्नीट्यूड लग रहा है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, दोनों पक्षों के स्क्वायर लगा देता हूँ, इधर भी स्क्वायर लगा दिया और इधर भी स्क्वायर लगा दिया। तो मैंने क्या बोला था, जिसके भी परिमाण का स्क्वायर है उसी को आप कितनी बार लिख लीजिए, दो बार लिख लीजिए। उसी को आप कितनी बार लिख लोगे भाई, दो बार लिख लोगे, बीच में क्या लगा दोगे, डॉट। ऐसा ही मैं इधर करूँगा, ए माइनस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर। पिछले वीडियो लेक्चर में अच्छे से मैंने इसको समझा दिया था कि मैं क्या कर रहा था ना, और इसी को मैंने करके भी बताया था ना। तो इससे हुआ क्या, देखो यहाँ आ गया ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, फिर बी डॉट ए, फिर बी डॉट बी। इधर जब सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ए डॉट ए प्लस, सॉरी किसका आ गया भाई, माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए, और माइनस माइनस हो गया प्लस बी डॉट बी। अब मेरे को यहाँ दिख रहा है, देखो ये ए डॉट ए कट गया, बी डॉट बी कट गया। हाँ ये देखो ए डॉट बी, इसको भी आप क्या लिख लोगे भाई, ए डॉट बी है, बी डॉट ए को क्या लिख लोगे भाई, ए डॉट बी लिख लोगे। अरे बी डॉट ए को क्या लिख लोगे, ए डॉट बी। इधर माइनस ए डॉट बी है, चलो ठीक है, माइनस बी डॉट ए को आप ए डॉट बी तो लिख सकते हो, कल ही तो बताया था कर्मण्यु नियम का पालन करता है। अरे ए डॉट बी, बी डॉट ए को आप ए डॉट बी लिख सकते हो, ये ऐसा कैसा है, बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हो। तो मेरे को कितना दिखा भाई, टू ए डॉट बी, यहाँ माइनस का 2a.b हो गया, ठीक है। इसको इधर यहाँ डॉट ध्यान रखिएगा, माइनस नहीं है ना, तो इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो 2a.b ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा भाई, तो a.b
और ये भी प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएंगे कितने में, डायरेक्ट कर देता हूँ, कितना हो गया भाई, चार हो गया। तो चार हो गया तो चार ए डॉट बी बराबर, इधर क्या बचेगा, जीरो। ए डॉट बी बराबर कितना हो गया भाई, चार गुणा में है, भाग में आ जाएगा, तो जीरो। अब तुम्हें ध्यान है, यदि कोई भी दो सदिशों का डॉट जीरो कब होता है, जब दोनों परस्पर लंबवत, जब दोनों परस्पर क्या हो, लंबवत हो। अपने को यही तो सिद्ध करना था, यही तो बोला था कि यदि ये है तो ये सिद्ध करो, तो कर दिया मैंने। तो अच्छे से इसको कीजिएगा एक बार, दोबारा इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन करेंगे जो आगे वाले जो क्वेश्चंस है, जो ज्यामितीय व्याख्या है, उनको भी अपन हल करना सीखेंगे। जो दोनों जो लास्ट वाले क्वेश्चंस है, मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छे से उनको भी कीजिएगा। बाकी रिवीजन जो वीडियो लेक्चर थे, क्विक रिवीजन क्लास है, तो उनमें उनको करवा रखा था, तो उनमें आपने देख सकते हो। बाकी आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा।